रमन पार्वती को निमंत्रण के लिए ले जा रहा था, अचानक वहाँ पे शिवाय शिवाय की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ पार्वती रुक जाती है, जहाँ शिवाय की आवाज़ सुनकर उनको घायल कर देती है। जहाँ पार्वती शिवाय के पास जाती है, लेकिन अचानक वहाँ रावण आकर पार्वती को अपने वश में कर लेता है। जहाँ शिवाय वो चाबी लेकर वहाँ पे बाहर निकल जाता है, जहाँ पार्वती को अपने साथ लेकर भागता है, लेकिन रावण पीछा करता है। जहाँ रावण के घातिर से शिवाय घायल हो जाता है, नागिन पार्वती शिवाय को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। जहाँ रावण जहाँ चुड़ल दामनी वहाँ पहुँच जाती है।